टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस फोटो को लेकर इतना बवाल मचा कि रोहित को ये फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की ट्रोलिंग इस बात को लेकर की जा रही है कि उन्होंने फोटो से छेड़छाड़ की है। रोहित पर फोटो से छेड़छाड़ का आरोप है, वो भी ऐसे समय पर जब टीम इंडिया को T20 सीरीज से जीत मिली और रोहित ने सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी को सीरीज जीतने की बधाई भी दी। T20 सीरीज के बाद अब टीम इंडिया वनडे की तैयारी कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव के साथ कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया। प्रैक्टिस सेशन से कुछ तस्वीरें कप्तान रोहित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, वही कुछ तस्वीरें BCCI ने भी अपने सोशल हैंडल से शेयर की, जिसके बाद से ही ये बवाल शुरू हो गया। अब बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। दरअसल BCCI और रोहित के अकाउंट से एक कॉमन फोटो शेयर की गई थी। जो दोनों फोटो BCCI और रोहित के द्वारा की गई, उसे देखकर लोगों को लगा कि इसमें फोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया है। फैंस ने कुछ ही देर में दोनों फोटो में अंतर भी निकाल लिया। फिर सोशल मीडिया पर रोहित की जमकर ट्रोलिंग होने शुरू हो गई। कुछ देर बाद रोहित ने अपनी वो फोटोज डिलीट कर दी। हालांकि BCCI ने ये पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं करा है, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर मौजूद है। इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि रोहित शर्मा के कट्टर फैंस को रोहित के ऊपर लगे ऐसे इल्जामों से फर्क नहीं पड़ता है। उनके फैंस लिखते हैं कि वो उनके चैंपियन कप्तान हैं, फिट हो या फैट, गेंदबाजों की बराबरी धुलाई करते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।